उपचुनाव में कामयाबी पाई, लोकसभा चुनाव पर नजर गड़ाई, सपा आरएलडी ने रणनीति बनाई, ब्राह्मण जाट समीकरण की बिसात बिछाई। नमस्कार, जनसत्ता में आपका स्वागत है। मैनपुरी और कैराना उपचुनाव में जीत हासिल करने के बाद सपा आरएलडी गठबंधन के हौसले बुलंद हैं और इसी हाई जोश के सहारे सपा के टीपू लोकसभा चुनावों में सुल्तान बनने का ख्वाब पाले बैठे हैं। अपने इस ख्वाब को अमली जामा पहनाने के लिए अखिलेश यादव एंड टीम ने यूपी की सभी 80 सीटों पर सियासी बिसात बिछानी भी शुरू कर दी है और इस चक्रव्यूह में उनका सबसे बड़ा लक्ष्य पूर्वी यूपी के ब्राह्मण और पश्चिमी यूपी के जाट वोटों को साधना है। पूर्वांचल के ब्राह्मण पर नजर। कहते हैं केंद्र की सत्ता का रास्ता यूपी की 80 लोकसभा सीटों से होकर जाता है। इन सभी 80 सीटों पर ब्राह्मण वोटों की जोरदार मौजूदगी है। उत्तर प्रदेश में करीब 2 करोड़ ब्राह्मण वोटर हैं। यूपी के चुनावों से पहले ब्राह्मण वोट का हिसाब लगाएं तो 2014 में यूपी में ब्राह्मण वोट का 72% हिस्सा अकेले भाजपा को जाता था। 2019 में ये बढ़कर 82% पर पहुंच गया। 2014 से लेकर 2019 तक के लोकसभा और विधानसभा चुनावों के आंकड़ों की पड़ताल करें तो यूपी में ब्राह्मणों की थोड़ी सी भी नाराजगी को हल्के में नहीं लिया जा सकता। उत्तर प्रदेश के 2014 लोकसभा चुनाव के नतीजों में 77 सीटें ऐसी थीं जहां जीत का अंतर सिर्फ 10,000 वोट का रहा। 10,000 के मार्जिन से जीत हार तय होने वाली 77 सीटों में से 36 बीजेपी ने जीती थी। उत्तर प्रदेश में करीब 2 करोड़ ब्राह्मण वोटर हैं। इस हिसाब से अगर इन्हें 403 विधानसभा सीटों में बांट दें तो 50,000 ब्राह्मण प्रति सीट पर आते हैं। वेस्ट यूपी का जाट वोट बैंक। उत्तर प्रदेश में भले ही जाटों की आबादी 3-4% के बीच है लेकिन पश्चिमी यूपी में इस समुदाय की तादाद करीब 17% के आसपास है। लोकसभा की एक दर्जन से ज्यादा और विधानसभा सीटों की बात करें तो 120 सीटों पर जाट वोट बैंक खासा असर रखता है। कुछ सीटों पर जाट समाज का प्रभाव इतना ज्यादा है कि हार जीत तय करने में यही समुदाय अपनी अहम भूमिका निभाता है। पश्चिमी यूपी में विधानसभा की 30 सीटें हैं और लोकसभा की 27 सीटें हैं जिन पर जाट वोटर्स को निर्णायक माना जाता है। इनमें सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, बागपत, बिजनौर, गाजियाबाद, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, बुलंदशहर, हाथरस, अलीगढ़ और फिरोजाबाद जिलों की सीटें प्रमुख हैं जो जाट बहुल मानी जाती हैं। अखिलेश का चक्रव्यूह। 2019 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश जाट और ब्राह्मण वोटों को ज्यादा से ज्यादा तादाद में अपनी ओर लाने की कोशिशों में जुट गए हैं। पार्टी सूत्रों की माने तो जल्द ही सपा के ब्राह्मण और जाट नेताओं को बगायदा मिशन 2024 के लिए जिम्मेदारियां भी बांट दी जाएंगी ताकि उपचुनाव में मिली इस छोटी सी जीत को बड़ी जीत में तब्दील किया जा सके। आपकी राय में क्या अखिलेश ऐसा कर पाने में कामयाब हो पाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और राजनीति की खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।